लखनऊ से ये खास खबर आप देख रहे हैं जेएनआई न्यूज। बटलर पैलेस कॉलोनी में मंडलायुक्त रोशन जेकब के सरकारी बंगले से सटे 30 साल पुराने सुलभ शौचालय को नगर निगम ने किया ध्वस्त। स्थानीय लोगों ने जमकर किया इसका विरोध। अचानक से तोड़ दिया गया है शौचालय और दूसरी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। 1 किलोमीटर तक कहीं भी शौचालय नहीं है। यहाँ के स्थानीय लोग अब शौच के लिए आखिर कहाँ जाएंगे। मदन मोहन मालवीय मार्ग पर करीब 10 लाख की लागत से बनाए गए शौचालय का इस्तेमाल आसपास की मलिन बस्तियों में रहने वाले लोग कर रहे थे। अचानक की गई इस कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं कि इस शौचालय से आखिर क्या समस्या हो रही थी। नगर निगम के जिम्मेदार भी इसका जवाब देने से कतरा रहे हैं। एक और ODF खुले में शौच मुक्त अभियान चलाया जा रहा है तो दूसरी ओर 30 साल पुराना शौचालय बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। इससे बस्तियों में रहने वाले परिवार व राहगीरों को बड़ी समस्या होगी। स्थानीय लोगों का कहना है सुलभ शौचालय मंडलायुक्त के निर्देश पर ध्वस्त किया गया है। उनके सरकारी बंगले से सटे इस शौचालय से वो नाखुश थी। पहले भी चर्चा में रहे बटलर पैलेस के मंडलायुक्त 2 साल पहले बटलर पैलेस कॉलोनी में रहने वाले मंडलायुक्त भी चर्चा में थे। उन्होंने अपने सरकारी बंगले को संवारने के लिए LDA से बजट पास करवाया था। इस पर विवाद हुआ और उन्हें कुर्सी से हटना पड़ा था। आइए देखते हैं उप संपादक राकेश कुमार की खास रिपोर्ट। बहुत दिक्कत हो रही है। तोड़ दी ने रोशन जैकब ने तोड़वाया है। कह रहे थे इधर से मच्छर जाते हैं, इधर से स्मेल जाती है। अब मच्छर बताओ हम लोगों के बस में है। अब तोड़वा दिन पहले कहीं सुविधा कराना चाहिए तब तोड़वाना चाहिए। अब तोड़वा दिन अब हम लोग कहाँ जाए। कितना परिवार इसमें शौचालय में जाता था? कितना 10-12 परिवार है। नहीं, पीछे का लेके कम से कम 50 रिक्शे वाले आते हैं। सब बाहर के आते हैं। 1 किलोमीटर पे कहीं शौचालय नहीं है। ठीक है, कहाँ जाए हम लोग। ये लगभग 30 वर्षों से यहाँ सुलभ शौचालय था। सामने मलिन बस्ती है जो 100 बरस से ज्यादा के समय से लोग रह रहे हैं। यहाँ के स्थानीय पार्षद और यहाँ के प्रतिनिधियों ने मिलकर के इस सुलभ शौचालय को सरकारी धन से बनवाया था। अभी कुछ दिनों से नगर निगम में कुछ अधिकारी आए और कहने लगे कि यहाँ के वर्तमान कमिश्नर श्रीमती रोशन जैकब को काफ़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि उनको स्मेल जा रही है। तो उसकी व्यवस्था नगर निगम को बोली गई थी कि आप जो है इसकी अगर उनको प्रॉब्लम हो रही है तो इसका दूर करें। क्यों स्मेल जा रही है, क्या हो रहा है? और लगभग यहाँ 75 घर है और ये लोग स्वतंत्रता के पहले से रह रहे हैं यहाँ पे। इन लोगों को शौचालय के लिए इसकी व्यवस्था कराई गई थी। यहाँ शौचालय महामारी पैसा दे करके कार्ड बनवा करके पास बनवा के कम पैसे में इस निधि से बनाई गई थी और इसके लिए सभी लोग मोहल्ले के औरतें आती थी। आज इनके सामने ये समस्या पैदा हो गया है कि आपको 1 किलोमीटर के दायरे में कोई सुलभ शौचालय नहीं है और कौन अपने घर में जाने देगा। अगर ये लोग रोड पर और सड़क पर और पार्क में अगर शौचालय के लिए जाते हैं तो क्या ये कमिश्नर के पास कोई जवाब है इसका? अगर ये औरतें ही महिलाएं अगर जाते हैं सड़क पर और पार्क में अगर शौचालय के लिए तो उसकी क्या इन्होंने व्यवस्था किया है? अगर इनके इनको बहुत ज्यादा इसकी दिक्कत थी तो इनको अपना आवास बदलवा लेना चाहिए था। इनको अगर एक ट्रांसफर कर दिया जाए तो इनके लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। और जो सैकड़ों बरस से लोग रह रहे हैं इनका घर भी स्थापित कर दे रहे हैं, इनका रोजगार खा जा रहे हैं, क्या ये सरकार के नीतियों के खिलाफ नहीं है? आपके माध्यम से मैं माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि ऐसे तानाशाह ऐसे बेगरज वाले अधिकारियों को तत्काल शासन से और जिम्मेदार पदों से बाहर करें और इनको ऐसा आवास दें जहां 100 बीघे का हो, फिर बागीचा वगैरह लगा हो, ऐसे जगह पर इनको आवास दिया जाए। और इस संघर्ष को हम जारी रखेंगे, चाहे पार्टी छोड़नी पड़े चाहे देश छोड़ना पड़े, हम इन लोगों के साथ अत्याचार नहीं होने देंगे। इसके लिए जितनी बड़ी कार्रवाई करना हो जिला प्रशासन और कमिश्नर कर लें।